वेलकम टू कीडो लर्निंग क्लब। वॉच, रीड, लिसन, लर्न। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अनास्तासिया था। वह दयालु, बहादुर और पूरे राज्य में सभी की प्रिय थी। उसके सुनहरे बाल सूरज की तरह चमकते थे और उसकी मुस्कान से हर कोई खुश हो जाता था। लेकिन अनास्तासिया बाकी राजकुमारियों की तरह नहीं थी। उसे जंगलों में घूमना, जानवरों के साथ खेलना और अपने राज्य के लोगों की मदद करना पसंद था। एक दिन जंगल में घूमते समय अनास्तासिया को एक जादुई पुराना पेड़ मिला। उस पेड़ में एक रहस्य था। वह बात कर सकता था। पेड़ ने उसे चेतावनी दी कि एक भयंकर तूफान आने वाला है जो पूरे राज्य को तबाह कर सकता है। राजकुमारी जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। बहादुरी से अनास्तासिया ने पेड़ से पूछा कि वह अपने राज्य को कैसे बचा सकती है। पेड़ ने उसे जंगल के गहरे हिस्से में छिपे एक जादुई पत्थर के बारे में बताया। यदि अनास्तासिया उस पत्थर को ढूंढकर राज्य के केंद्र में रख दे तो तूफान गायब हो जाएगा। बिना समय गंवाए राजकुमारी अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने नदियां पार की, पहाड़ चढ़े और कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसका दिल मजबूत था और उसने कभी हार नहीं मानी। अंततः एक लंबी यात्रा के बाद उसे जादुई पत्थर मिल गया। पत्थर को हाथ में लेकर अनास्तासिया जल्दी से अपने राज्य वापस आई। जैसे ही उसने पत्थर को राज्य के केंद्र में रखा, काले बादल गायब हो गए और तूफान खत्म हो गया। फिर से सूरज चमकने लगा और राज्य बच गया। सभी ने अनास्तासिया की बहादुरी की प्रशंसा की। वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक नायिका बन गई और उस दिन से राज्य में शांति से जीवन व्यतीत होने लगा। और यह सब राजकुमारी अनास्तासिया की साहसिकता के कारण हुआ।